सभी तकलीफों का अंत, और वो भी तुरंत। अगर आप चाहते हैं तो मैं बताऊंगा कैसे मिलेगा सभी तकलीफों से मुक्ति, कैसे मिलेगी सभी तकलीफों से हमेशा के लिए शांति। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। आपके समक्ष ये सात मुखी रुद्राक्ष और उसके नीचे एक हीरा लटक रहा है, यानी अमेरिकन डायमंड। ये सात मुखी रुद्राक्ष का कवच है। ये सात मुखी रुद्राक्ष ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष है। ये सात मुखी रुद्राक्ष माँ लक्ष्मी का रुद्राक्ष है, शुक्रदेव का रुद्राक्ष है, माँ लक्ष्मी यानी धन दौलत। ये रुद्राक्ष शिव को प्रिय है। सावन के महीने में अगर इसको प्राण प्रतिष्ठित करके कोई व्यक्ति, महिला, पुरुष, बच्चा पहनता है तो वो शिव का प्रिय, माँ लक्ष्मी का प्रिय होता है। ये रुद्राक्ष सात देवियों के आशीर्वाद से और सात सर्पों के आशीर्वाद से आपको विशेष लाभ पहुंचाता है। माँ लक्ष्मी के अलावा इसमें अन्य देवियों की भी कृपा है और सात सर्पों का जहर आपके संसार में जो भी कष्ट है उसको समाप्त करके आपको सुख देते हैं। नौकरी, व्यापार, शिक्षा में पदोन्नति और शिक्षा में दिमाग तेज करता है, आपको सफलता दिलाता है। ये रुद्राक्ष वैवाहिक जीवन की बाधाओं को दूर करता है। ये रुद्राक्ष पति पत्नी में प्रेम बढ़ाता है। ये रुद्राक्ष का कवच शादीशुदा जिंदगी को मधुर बनाता है। ये रुद्राक्ष कवच संतान सुख दिलाता है। ये रुद्राक्ष कवच उन पुरुषों के लिए, उन महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है जिनको यौन संबंधी समस्याएं हैं। नपुंसकता पे ये रुद्राक्ष बहुत काम करता है। पुरुषों में शारीरिक बल देता है। शनि की साढ़े साती काल सब दोष से मुक्ति दिलाता है। विपरीत लिंग के प्रति प्यार और आकर्षण बढ़ाता है। जल्दी शादी के योग बनाता है। प्रेम संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। संतान में हो रही देरी के लिए ये आपको पहनना चाहिए, जल्द ही आपके घर में किलकारी गूंजेगी। ये आपकी माता जी, आपके पिताजी के लिए विशेष लाभकारी है। अगर उन्हें हड्डियों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, अकड़न है, जकड़न है, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन है, तो ये विशेष लाभकारी है। पैरालिसिस जिनको हो गया है उनके लिए भी ये विशेष लाभकारी है और ग्रहों को भी ये खूबसूरत बना देता है। तो मैंने बोला सभी समस्त परेशानियों का अंत है ये कवच। इसके साथ में आपको लाजवंत रत्न और काला हकीक फ्री दिया जा रहा है और इसकी कीमत है 2410 रुपये। L16 लिखकर आपको व्हाट्सएप करना है, L16 लिखकर व्हाट्सएप करना है दिए गए नंबरों पर। ये शुद्ध चांदी में मढ़ा हुआ होगा, लाल धागे में आप इसे पहनेंगे या पहनेंगी। और इस रुद्राक्ष को पहनने के बाद समस्त सुख तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आप खुशहाल हो जाएंगे। नेपाली रुद्राक्ष विद सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो आपको ऑर्डर करना है तो L16 लिखकर आप व्हाट्सएप करें और इसको बुक कराएं, क्योंकि सावन में इसकी पूजा हो गई तो फिर आपके भाग्य डबल चमक जाएंगे। तो 4 तारीख का जो अभिजीत मुहूर्त है कोई नहीं है, राहु काल है 12:27 PM से लेकर 2:08 PM तक। 5 तारीख का अभिजीत मुहूर्त है 12 बजे से लेकर दोपहर के 12:54 तक। राहु काल है 2:07 PM से लेकर 3:48 PM तक। व्रत और त्योहार में कामिका एकादशी का दिन है, भगवान विष्णु को खुश करने का दिन है। अब हम बात करते हैं आपके राशिफल की। मेष राशि, आज के दिन आपको आलस व थकान होगी, आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ होगा लेकिन आपकी हिम्मत बढ़ी हुई होगी, आप आलस और थकान को पीछे छोड़ देंगे। आप जो भी करना चाहेंगे उसके लिए आपको थोड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन साथी के साथ आपका साथ बढ़िया रहेगा। संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे, बच्चे पढ़ाई लिखाई को जैसे तैसे पूरी करके आगे बढ़ेंगे। आज आपको मेहनत से घबराना नहीं है। आज आपकी मित्रता कुछ नए लोगों से हो सकती है, दोस्तों यारों में उठने बैठने का मौका मिलेगा, बाकी लोगों से संबंध बेहतर होंगे, लोगों से मिलना जुलना लगा रहेगा। सेहत के प्रति लापरवाही ना करें, व्यापारी लोग
जो है आज बाहरी भोजन से बचें। जो लोग व्यापारी हैं अगर वो यात्रा पर जाते हैं तो बाहरी भोजन ना करें, पेट गड़बड़ हो सकता है। पुराने किसी जानकार से मुलाकात या बातचीत संभव है। किसी सरकारी मामले में आपका पक्ष भारी रह सकता है, यानी सरकारी मामले में विजयी होने के चांसेस हैं। परिवार के लोगों का पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा। आज आप किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं। अपने माता पिता से बहसबाजी बिल्कुल भी ना करें। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। आज आपके अंदर कोई नए शौक पैदा हो सकते हैं। सोशल मीडिया में व्यस्त रहेंगे। विवाह योग्य लोगों को योग्य जीवन साथी मिल सकता है। तो आप सभी लोग हनुमान जी की उपासना करते रहिए, शिव जी की उपासना करते रहिए। और ये जो L16 है, L16 सातमुखी रुद्राक्ष कवच, जिसमें हीरा भी जड़ित है, अमेरिकन डायमंड, और साथ में आपको लाजवंत रत्न और हकीक का पत्थर फ्री मिल रहा है। ये कवच महालक्ष्मी का कवच है, माँ लक्ष्मी का कवच है, सात देवियों का कवच है। ये आपको सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिला देगा और महिला पुरुष बच्चे सभी इसको धारण कर सकते हैं। और रुद्राक्ष पहनने के जो नियम है वो कोई कठिन नियम नहीं है। जैसे सामान्य आप पत्थर पहनते हैं, कोई भी स्टोन पहनते हैं, वैसे ही रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष के अंदर ताकत है आपके पापों को खत्म करने की। नमस्कार।